मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की योजना को लेकर जारी की गई सूचियों ने कई किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी है। इस लिस्ट में कई नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी कर्ज ही नहीं लिया लेकिन उन्हें भी कर्जदार बना दिया गया है। इसी तरह का एक मामला सागर जिले में सामने आया है जिसके बाद सदमे में किसान की मौत हो गई। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने इस तरह की गड़बड़ियों पर चिंता जताई है। राज्य में सत्ता बदलाव के साथ कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 2 लाख तक की कर्ज माफी की योजना का किसानों को लाभ देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कर्जदारों की सूची चस्पा की है। इन सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आ रही है।